नमस्ते दोस्तों, आप सभी का गायत्री के देसी किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट डोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कटोरी लिया हुआ है, इसमें हम 3 कटोरी चावल डालेंगे। ये बर्तन में दो, और ये हमारी तीसरी कटोरी है। 3 कटोरी हमने चावल इसमें डाला हुआ है। अब इसी कटोरी में से 1 कटोरी हम उड़द की दाल डालेंगे। 1 कटोरी हम उड़द की दाल डालेंगे इसमें। ये बिना छिलके वाली है। तो 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल ऐसे डालते हैं। ये हमने मेथी दाना लिया हुआ है, मेथी दाना इसमें डाल देंगे उड़द की दाल में, और इसको पानी डाल के अच्छे से भिगो देंगे। इतना पानी लिया हुआ है, इतना है। अब इसी तरह चावल में भी डाल के पानी चावल को भी भिगो देंगे। हमने चावल को भी भिगो दिया है और उड़द की दाल भिगो दिया है। हम चावल दाल को 5 घंटे तक भिगो के रखना है, उसके बाद हम धुल के और इसको पीसेंगे। मेरे चावल को 4 से 5 घंटे हो गया है, 5 घंटे भिगोए हुए अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको धुल लेते हैं। ये भिगोने के बाद धुलने से क्या है, इसकी चावल की जो पॉलिश होती है वो अच्छे से भीग जाती है, फिर धुलने में ये छूट जाती है ऐसे इस तरह। हम इसको धुल लेते हैं। मोटा वाला चावल है, आप खाने वाला भी चावल यूज कर सकते हैं, ये कच्चा चावल है। देखिए मैंने अच्छे से धुल लिया है, ये पानी भी देखिए साफ हो गया है, चावल अच्छे से मेरे धुल गए हैं। हम उसी तरह दाल को भी धुल लेंगे, ये उड़द की दाल। चावल अच्छे से 4 से 5 पानी से धुल लिया है, साफ हो गए हैं। अब इसको पीसेंगे, और ये दाल भी हमने धुल लिया है, इसको भी पीसेंगे। ये इसमें हम डालेंगे चावल थोड़ा थोड़ा करके, मेरा जार छोटा है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम पीसेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हमने चावल ऐसे इस तरह पीसा है। बिल्कुल परफेक्ट पीसना है चावल को, दाने ना रह जाए। और यदि मिक्सी चावल पीसने में गर्म हो जाए तो इसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिला के और फिर पीसे तो मिक्सी गर्म नहीं होती। हम इसे एक बर्तन में पलट लेंगे। इसी तरह सारे चावल को हम पीस लेंगे। हमने चावल को पीस लिया है अच्छे से। अब इसी तरह हम उड़द की दाल को भी पीस लेंगे। ये उड़द की दाल है तो हम इसको भी पीस लेंगे। इसमें हमने मेथी दाना डाला हुआ था, दिखाया था भिगोते समय, तो हम इसको भी ऐसे ही पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। पीस लिया है दाल भी, बिल्कुल एकदम से महीन ऐसे पिस गई है। तो हम दाल को पलट लेते हैं। तो हम दाल को भी इन्हीं चावल के बैटर के साथ हम डाल देंगे। दाल को भी पूरी पीस लिया है, अब हम इसको दाल चावल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चम्मच से नहीं हो रहा तो हम हाथ से अच्छे से हाथ धुल के और अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, इससे अच्छे से हाथ से हो जाएगा मिक्स। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऐसा है बैटर। अब इसको हम 15 से 16 घंटे के लिए खमीर होने को रख देंगे। ठंडियों में 15 से 16 घंटा और गर्मियों में 8 से 10 घंटे में खमीर बन जाता है। तो हम इसको 15 से 16 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, फिर इसका डोसा बनाएंगे।
देखिए मेरा 18 घंटा हो गया, 16 घंटे बोली थी, लेकिन ठंडी है तो इसलिए खमीर अच्छे से नहीं बन रहा था, तो इसको 18 घंटे हो गया है, इस तरह का हो गया है। तो चलिए अब ये मेरा फूल गया अच्छे से, तो अब हम डोसा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, चलेंगे किचन। ये एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, डोसे के लिए मसाला बनाएंगे। तो हम इसमें तेल डालेंगे सरसों का। अब इसमें हमने ये मूंगफली के दाने लिए हैं, तो इनको तलेंगे थोड़ा सा, तेल में ऐसे तलेंगे। ये हमारे तल गए हैं, अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम सरसों के दाने तेल में। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे, हमने ऐसे प्याज काट लिया है, तो प्याज डालेंगे हम। इसमें ढेर सारी 2 से 3 प्याज लिया हुआ है बड़ी साइज में, इसको डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे इनको। और ये कुछ हरी मिर्च है, इनको भी डालेंगे। हमने ये 3 से 4 लाल मिर्च लिया हुआ है, इसे भी डाल देंगे इसमें और इनको भी साथ में भूनेंगे अच्छे से। ये हमारी प्याज का कलर चेंज हो आया है। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी जो भी रेसिपी हो तो आपको मिल जाए। अब हम इसमें कड़ी लीव्स डाल देंगे। ये हमने टमाटर लिया हुआ है, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है चाकू से। अब इसको इसमें डाल देंगे टमाटर को, और इसको भी पकाएंगे। हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और इसको चला के पकाएंगे, इससे हमारा टमाटर भी गल जाएगा। टमाटर गल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर। देखिए दोस्तों, इस तरह अब मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर को। और ये जो हमने मूंगफली तली हुई थी, इसको भी डाल देंगे। हमने मूंगफली डाला हुआ है, आप हरे मटर भी डाल सकते हैं। और ये हमने आलू लिया हुआ है, जो हमने बॉईल कर लिया था, अब इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे, ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे और तोड़ के मसाले में डालेंगे। हम इस तरह मैश कर लेंगे अच्छे से। हमने मैश कर लिया है आलू को, अब हम इसको भी डाल देंगे इसी बार उसमें पैन में। अब हम इसको ऐसे सारे मसाले में आलू को मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है डोसे के लिए। अब इसको हम थोड़ी से ऐसे मिक्स करके पकाते हुए मिक्स करेंगे। तो अब हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है, अब हम डोसा बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। हमने इस बर्तन में ले लिया है बैटर को, जितना हमें जरूरत थी उतना ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और अब पानी डाल के और इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, गाढ़ा है इसलिए हम पानी डाल के इसको पतला करेंगे। इस तरह
अभी भी गाढ़ा है, हम और पानी डालते हैं इसमें। हम इसका बैटर इतना पतला किया है ऐसा, ये परफेक्ट है डोसा के लिए, इस तरह का ही रखना है हमको। अब हम इसका चलिए डोसा बनाते हैं और बना के हम दिखाते हैं आपको। तो हमने गैस में तवा रख दिया है, अब हम इसमें तेल लगाएंगे, कपड़े से चारों तरफ ऐसे फैलाएंगे। अभी मेरी गैस की फ्लेम हाई है, फुल है पूरी, और जब हम इसमें डोसा के लिए बैटर डालेंगे तो उसको बिल्कुल लो कर देना है, वरना तो वो चिपकने लगेगा फैलाते समय, तो फैलेगा नहीं अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। इस तरह देखिए, इस तरह आवाज आनी चाहिए, और पानी डाल के हम इसको पोंछेंगे कपड़े से ऐसे। अब हम तवे में इस तरह बैटर डालेंगे और हम बीच से घुमाते हुए ऊपर की साइड लेके आएंगे, हमको बीच से हटाना है पहले, इस तरह हमको फैलाना है, बीच से फैलाते हुए ऊपर साइड फैलाना है। अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे इस तरह, और हल्का हल्का बीच में भी डाल देंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे, देखिए मेरा साइड साइड से हल्का हल्का लाल कलर का होने लगा है, और ये देखिए मेरा डोसा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा एकदम से कुरकुरा बना है, देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है मेरा डोसा। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। तो यदि आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो नमस्ते दोस्तों।